जो हर किसी को खूबसूरत तो हर कोई होता है पर उस खूबसूरती पर चार चांद लगाना आपका हमेशा से काम रहा है। नाउ यू आर हेयर इन काशी, बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है शहर से? शहर से मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आई एम श्योर शहर को मेरे से एक्सपेक्टेशन है। तो मैं यहाँ आई हूँ उनकी एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट करने के लिए, उनको काशी वालों को खुश करने के लिए और काशी वालों को सुंदर और सुंदर बनाने के लिए। ब्यूटिफुल। एंड आई हैव प्रिया जी विद मी ऑल्सो। ये बताइए कि मीनाक्षी दत्त फाइनली इन काशी ऑल्सो, इसके पहले काशी में ऐसा क्या नहीं था जो मीनाक्षी दत्त के बाद अब हो जाएगा? अगर मीनाक्षी दत्त मेकओवर्स के पहले अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे नेचुरल मेकअप, एक जो लुक जो हम चाहते हैं डिजिटल पे देखते हैं कि ये फोटो तो बहुत अच्छी लग रही है, जब यहाँ होता है तो वो बहुत ग्लॉडी एंड ब्राइट मेकअप, तो वही चीज़ को दिल्ली से सीधा यहाँ लाने की हमने कोशिश की। और काशी में कितने ब्रांचेस? क्लास ग्रेट। और काशी में कितने ब्रांचेस? काशी में ये हमारी मेन ब्रांच है और एक और इन्हीं के साथ छोटी ब्रांच और है, तो दो ब्रांचेस ऑलरेडी है हमारी ऑलरेडी। अच्छा, मेकअप का हमेशा से मैंने देखा है लोगों का ना कि एक मिसकंसेप्शन रहा है कि किसी को भी लिपाई पुताई करके गोरा कर दो, लाइक यू नो मेक देम फेयर, बट बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट इंक्लूडिंग यू मैंने देखा है कि वो मेकअप ऐसा करते हैं कि चेहरा भी समझ में आता है, कॉम्प्लेक्शन के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। तो इस चीज को मुझे लगता है कि काशी को एक्चुअली जरूरत थी, तो आप किस तरह से लोगों को अपना कैनवस बनाने वाले हो? देखिए ऐसा है कि हर एक का अपना स्टाइल होता है, तो मैं तो किसी को कोई मेरा एक रूल है कि किसी के भी काम की बुराई नहीं करनी है, हर इंसान अपनी अपनी अच्छी नीयत से काम कर रहा है। लेकिन हाँ, हमारा जो काम है उसमें हम जितना कोशिश हो सके उतना नेचुरल रखते हैं, लेकिन नेचुरल के साथ साथ एक ग्लैम इफेक्ट तो देना ही होता है। अब वो ग्लैम इफेक्ट जब होता है उसमें क्लाइंट की भी हमें नीड्स देखनी पड़ती हैं, कि कई बार क्लाइंट्स डिमांड भी करते हैं कि हमें थोड़ा सा फेयर लगना है, बट हाँ एक लिमिट तक हम अलाउ करते हैं, उसके आगे हम नहीं अलाउ करते, बिकॉज एक एक अपना ब्यूटी बिजनेस के एथिक्स भी होते हैं, तो उसी कायदे उसमें हमें चलना चाहिए। और बाकी फीचर्स एनहांस करना और उसको एक ब्यूटीफुल ग्लैमरस लुक देना, वो डेफिनेटली हमारा काम है। प्रिया जी, व्हाट डू यू थिंक कि आप किस तरह से मार्केट के लोगों को जो आपको अप्रोच करने वाले, क्योंकि मैम तो बहुत कम यहाँ रहेंगी बट आपको ही देखना है सब कुछ, तो आपका एक अप्रोच मॉडल क्या होने वाला है? मेरा अप्रोच मॉडल यही रहेगा कि जो इनकी एक्सपेक्टेशन है MDM से वही फुलफिल करूँ, और जो क्वालिटी है मैं वो मेंटेन करूँ, भले ही अमाउंट वाइज अगर वो नहीं उतना अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वो ना लें, बट लें तो उस क्वालिटी वो चीज़ लें कि वो हमेशा याद रखें कि MDM मैं दिल्ली नहीं जा पाई तो मुझे वाराणसी की दिल्ली, मतलब कि वही सेम क्वालिटी। ब्यूटीफुल। और कौन कौन से शहर में है, लाइक कितने शहरों में है? हमारा तो बहुत सारे शहरों में है, अब तो नियरली हमारी आई थिंक 30 तो हो ही गई है, ज्यादा ही होंगी। हमारा राजस्थान में है, जयपुर में, बीकानेर में, हमारा यूपी में तो बहुत सारे है, आगरा, मेरठ, मोदी नगर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर में दो दो है, दिल्ली में ऑफकोर्स है नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद, और हमारा पटना, हजारीबाग, रांची, पंचकुला, चंडीगढ़। आई एम फ्रॉम रांची, सो आई हैव नो आईडिया यू देयर, वी आर ओपनिंग इन रांची, बट हजारीबाग में तो है हमारा 2 साल से, एंड पटना में भी है, अब मैं यहाँ से सीधा पटना ही जा रही हूँ। ओके, सो रांची में जब आप खोलोगे तो आई विल मेक श्योर कि आई गो देयर। ओह यस यस, आई विल, दैट्स माय होम टाउन एंड आई वुड लव टू। रांची इज नेक्स्ट मंथ। थैंक यू सो मच। एंड इज देयर एनीथिंग जो आप बनारस की जनता को, स्पेशली महिलाओं को कहना चाहते हो? देखो, जो हमारा ये शहर है ये बहुत इम्पोर्टेंट शहर है, ना कि ये बिल्कुल बिकॉज ऑफ द मंदिर, काशी विश्वनाथ टेम्पल, इसके ब्यूटीफुल घाट्स, इसका हिस्ट्री, इसका कल्चर, सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट है, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और मैंने देखा है कि यहाँ पे काशी इतना ब्यूटीफुल शहर हो गया है, कितने फ्लाईओवर्स बने हैं, कितना डेवलप हो गया है, यहाँ के हर चीज़ डेवलप हो गई है, तो डेवलपमेंट के साथ साथ MDM भी यहाँ होना जरूरी था।
part of Meenakshi ma'am. Shivangi, being a young influencer, what do you think ki ye Kashi mein kis had tak kaam aane wala hai logon ke? काम तो बहुत आने वाला है बिकॉज जब से मैंने MDM में वर्क करना शुरू किया है, जब हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, दिल्ली में भी कितने छोटे छोटे टाउन से स्टूडेंट्स आते हैं और वो अपने टाउन्स में इतना अच्छा काम करते हैं एंड वाराणसी इज स्टिल अ बिग टाउन. सो यहाँ पे हैविंग MDM एंड एक नहीं दो दो, आई कैन इमेजिन दैट प्रिया को बहुत मजा आने वाला है. एंड मेकअप एक ऐसी चीज बन गई है हमारे लाइफ में जो जब मैं छोटी थी मुझे बहुत अलग लगता था सबसे, क्योंकि मैं मेकअप लगाती थी और मेरे दोस्त बिल्कुल भी यूज नहीं करते थे. और अब ऐसा हो गया है क्योंकि मेरा काम बन गया है मेकअप, मैं इतना मेकअप यूज करने के बाद घर जाती हूँ बिना मेकअप के और मेरे सारे फ्रेंड्स भी मुझे मेकअप लगा रहते हैं. तो अब मुझे लगता है मेकअप इतनी यू नो जेनरेशन के साथ साथ एक हाउस होल्ड चीज हो गई है. सिर्फ लाइनर काजल नहीं रहा, अब पूरा मेक ओवर चाहिए सबको. सबको पता है कि अपने फीचर्स कैसे शार्प करने हैं और जिन लोगों को ये लगता है कि ये करियर उनके लिए सही है वो अपने जॉब्स अपने यू नो इवन इफ दे आर हाउसवाइफ्स वो अपनी लाइफ थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि दिस इज अ करियर दे कैन टेक. सो आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ द सिटी MDM शाइन्स एवरीवेयर.